नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे ही दोस्तों हम सभी लोगों को पता है टेक्निकल क्वेश्चनों में से आज मैं आपके लिए फिर से एक टेबल बना के लग के आया हूँ। चलिए दोस्तों टेबल वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं आग के प्रकार। आग कितने प्रकार की होती है और आग से रिलेटिव सारे क्वेश्चन, आज आप लोगों के डाउट आग से सारे किस्सा ही ख़त्म। आग से आग कितने प्रकार की होती है, कौन सी आग किस प्रकार की है, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्लास ए की आग ये किससे लगती है, लकड़ी, पेपर, कपड़ा, रबड़, ठीक है, इन सभी चीज़ों से क्लास ए की आग लगती है। इसे बुझाने के लिए प्रेशर वाला पानी या डाई पाउडर भी चाहिए होता है। यानी क्लास ए की आग नॉर्मल होती है अपनी, इससे ही बुझाई जाती है। किसे पानी से ही बुझा सकते हैं और या ड्राई पाउडर से, ठीक है। ये लगती किससे है, लकड़ी, कपड़ा, पेपर, इन चीज़ों से। अब देखते हैं क्लास बी की आग। अधिकांश हम लोगों के पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्लास बी की आग कौन सी होती है, इसे बुझाने के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है, कौन सा यंत्र यूज किया जाता है। चलते हैं देखते हैं क्लास बी की आग। लिक्विड फायर, ये तेल की फायर होती है, जो लिक्विड वाली होती है तेल की फायर होती है। और इसे C2C यानी या शुष्क बर्फ से भी बुझाया जाता है, C2C से बुझाया जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास बी की आग होती है लिक्विड, ठीक है। अब देखते हैं क्लास सी की आग होती है गैसी फायर, ठीक है, इसे C2C या ड्राई पाउडर, इसे C2C या ड्राई पाउडर से बुझाया जाता है। और ये होती है क्लास सी की आग गैसी फायर, ठीक है। क्लास डी होती है इलेक्ट्रिकल फायर, CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसे बुझाया जाता है क्लास सी की फायर, क्लास डी की फायर, ठीक है दोस्तों। ये आग से सारे कुछ क्लियर हो गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मिश्रित धातु देखते हैं कौन कौन से मिश्रित धातु है, जो गन मेटल होता है उसमें कौन कौन सा मिश्रण होता है। देखो 88% तो इसमें कॉपर होता है, प्लस 10% टिन और प्लस 2% जिंक होता है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा गन मेटल में कौन कौन सा होता है, 88% कॉपर, 10% टिन और 2% जिंक होता है। इसी प्रकार कांसा भी होता है, कांसा होता है उसमें क्या होता है, कॉपर प्लस टिन का मिश्रण होता है। और बेल मेटल होता है उसमें कॉपर प्लस टिन का होता है। सोल्डर होता है इसमें लेड प्लस टिन का होता है। ये सारे मिश्रण भी याद कर लो, कई प्रकार से पूछ लिए जाते हैं घुमा के क्वेश्चन के, बताइएगा कांसा किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो ये होता है कॉपर प्लस टिन का होता है। इसी प्रकार बुश मेटल देखते हैं, सोल्डर के नीचे लिखा हुआ है बुश मेटल, बुश मेटल में कॉपर प्लस जिंक का होता है। और मंजू मेटल में होता है, मंजू मेटल में होता है कॉपर प्लस जिंक, ब्रास में होता है कॉपर प्लस जिंक। इस टाइप से याद कर सकते हैं आप बुश, मुंज और ब्रांस, ठीक है, इनमें सभी में कॉपर प्लस जिंक होता है। और बेबिट मेटल में होता है कॉपर टिन प्लस लेड। वाइट मेटल, ये वाइट मेटल क्या होता है देखते हैं, इनमें किस का कॉपर प्लस टिन प्लस लेड और एंटीमनी, ये चार मिश्रण होते हैं कॉपर टिन लेड एंटीमनी वाइट मेटल में, ठीक है। मोनल मेटल में होता है कॉपर प्लस निकिल, इन सभी का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील में होता है क्रोमियम स्टील या निकिल, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किस धातु से बनाई जाती है, स्टेनलेस स्टील तो क्रोमियम प्लस निकिल इन धातुओं से मिलकर बनती होती है। स्टीलाइट होती है कोबाल्ट, क्रोमियम प्लस टंगस्टन या ट्राइडनियम, ठीक है, ये तो होती है मिश्रण। ये देखिएगा एक और हाई स्पीड स्टील, ये कई बार आता है क्वेश्चन, हाई स्पीड स्टील किस धातु की बनी होती है, तो देखिए टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम या कोबाल्ट, इन धातुओं से मिलकर बनी होती है हाई स्पीड स्टील। ये तो थे दोस्तों मिश्रण। इन धातुओं के अधिकांश पेपरों में इन चीज़ों से क्वेश्चन आते रहते हैं कि हाई स्पीड स्टील किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम और कोबाल्ट, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। स्टील के फोर्जिंग करते समय ताप व रंग, ये भी कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। देखते हैं किस धातु का ताप कितना होता है और कौन सा रंग आता है, ठीक है। जैसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हल्का भूरा रंग हो जाता है, जब कोई मेटल हो जिससे अगर आप ताप पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले के जाएंगे उसको,
उसका हल्का सा भूरा रंग हो जाएगा, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाल हो जाएगा, 800 पे हल्का चेरी लाल हो जाएगा, मतलब डार्क लाल हो जाएगा, ठीक है, और 1000 पर ब्राइट चेरी लाल, ब्राइट चेरी लाल, और 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीला हो जाता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पीला सफ़ेद, पीला और सफ़ेद हो जाता है, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे सफ़ेद हो जाता है, यानी जो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है तो आयरन लोहा अपना मेटल सफ़ेद कलर का दिखने लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, विभिन्न धातुओं के लिए प्रयोग होने वाले फ्लेक्स देखते हैं, हर धातु के लिए अलग अलग फ्लेक्स यूज होता है। ठीक है, तो पहला वाला फ्लेक्स देखते हैं, आयरन स्टील के लिए अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, टिन सीट के लिए जिंक क्लोराइड होता है, और गैल्वेनाइट सीट के लिए हाइड्रोक्लोरिक होता है, पीतल जिंक क्लोराइड होता है, तांबा अमोनिया क्लोराइड होता है, गन मेटल रेजिन होता है, और एल्युमिनियम के लिए स्ट्रीन होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो थे आप लोगों के फ्लेक्स थे, इसी प्रकार हर धातु के लिए अलग अलग फ्लेक्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में कुल इतना ही, कल आप लोगों के लिए कुछ और लेके आएंगे, और क्वेश्चन लेके आएंगे जो टेक्निकली क्वेश्चन होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।